अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। किसने किया है? ये जाना जरूरी नहीं, सब बाद में देख लेंगे। पहले मुझे रक्त बीज चाहिए। क्या करोगे रक्त बीज का? कैसे मदद करेगा वो हमारी? वो हमारे कारा को वापस लाएगा। ये सॉल्यूशन है तुम्हारा? तारा इंसान है चांदनी, कोई मशीन नहीं है, और तुम क्लोन बना के उसे हमारे बीच में वापस लाओगे। एक डुप्लीकेट लाओगी। तारा की कॉपी कभी तारा नहीं हो सकती। ऋतिक, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, पर तुम्हारे पास और कोई रास्ता है तारा को वापस लाने का? नहीं तो मान लो फिर, ताब नहीं रही, मर गई। ऋतिक, तारा और उसके हमशक्ल में कोई फर्क नहीं होगा। याद है, मैं तुम्हारा भी हमशक्ल बनाने वाली थी। हमशक्ल बिल्कुल असली जैसा होता है, सिर्फ एक फर्क होता है। यहाँ पे एक निशान रहता है। इन हमशक्ल के यहाँ ना एक नंबर होता है, जैसे तुम्हारे पहले हमशक्ल के यहाँ नंबर 2 लिखा होगा और तुम्हारे दूसरे हमशक्ल पर नंबर 3। इस नंबर से ओरिजिनल और हमशक्ल के बीच का फर्क पता चलता है। इसने मारा तारा को। प्लीज बताओ चांदनी, मेरे डैड ने? नहीं, तुम्हारे डैड ने नहीं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए सारी सिक्योरिटीज बंद रखी थी। हमें निकलना होगा, जल्द से जल्द निकलना होगा, अलार्म बजने से पहले ही। चलो। क्लोज पॉट। चलो ऐसे। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। आई नो तुम्हारे दिमाग में काफी सवाल चल रहे होंगे, पर उनके जवाब तुम अभी ना ही जानो तो बेहतर है। और ऋतिक, मैं तुम्हें अभी जो भी बताया, हर हाल में किसी को पता ना चले, पहले हमें रक्त बीज ढूंढना होगा। हम सबको सजा देनी है जिसने मेरी तारा की जान ली। ऋतिक, ये सब तारा के आने के बाद, पहले मुझे रक्त बीज चाहिए। वो यहीं गिरा था और कुछ सेकंड्स में ही गायब हो गया। इसका मतलब कोई लेकर चला गया, पर कौन लेकर जा सकता है? गई थी तुम चांदनी? वो मैं ऐसे ही थोड़ा बाहर चली गई थी ऋतिक से मिलने।
तुमने तो मुझे यही कहा था ना कि तुम्हारे और ऋतिक के बीच अब कुछ नहीं है, अब तुम सिर्फ दोस्त हो। तो ये क्या चल रहा है? अब किसी ना किसी बहाने दो दो मिनट में तुम ऋतिक से मिलने जा रही हो, कभी खीर, अभी घूमने जा रही हो, क्या चल रहा है ये सब? चांदनी, चांदनी मैं तुम्हें नहीं जानती, सिर्फ मेरी बेटी के कहने पर मैंने तुम्हें यहाँ रहने की अनुमति दी, पर अब तो लग रहा है कि तारा के यहाँ ना होने का तुम फायदा उठा रही हो। मुझे लगता है बहुत हो गया चांदनी, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो प्लीज। अंडे एक मिनट। आप गलत समझ रही हैं। चांदनी को प्लीज यहां रहने दीजिए। तुम इसके साइड ले रही हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूं आंटी। मैं जानता हूं वहां पर क्या बीत रही है। अगर तारा ने बोला है कि इसे यहां रहना चाहिए तो कुछ सोच समझ कर कहा होगा। ऋतिक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तारा ने कहा कि चांदनी को घर में रहने दो, पर ये कुछ बता ही नहीं रही है कि तारा कहाँ है, कैसी है, किस हालत में है, कुछ भी नहीं बता रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तारा को आपको बताना होता कि वो कहाँ है तो तारा आपको खुद बता देती। आप मुझ पे और तारा पे भरोसा रखिए और चांदनी को प्लीज यहां रहने दीजिए। मुझे AI रोबोट चाहिए, एक नहीं कई सारे हजारों, और उसी के लिए मुझे सितारा की जरूरत थी। पर फिर मुझे ख्याल आया कि एडवांस्ड AI तो मेरे पास पहले से ही मौजूद है। तुम्हारे दिमाग के अंदर रखे चिप के रूप में ये पूरा एक चक्र है विराट। पहले तुम्हारी बेटी को किडनैप करके तुम्हारी पत्नी के हाथों ये चिप बनवाया, फिर उस चिप को तुम्हारे अंदर डाल के उस चिप की मदद से तुम्हें अपना गुलाम बनाया। अपना गुलाम बनाया और तुम्हें तुम्हारे ही परिवार के पास वापस भेज दिया। और आज इसी चिप के डुप्लीकेट कॉपीज बनाऊंगा मैं और फिर दुनिया पर राज करूंगा। हाँ, इस वक्त मैं AI रोबोट नहीं बना सकता, कोई बात नहीं, लेकिन इस रक्त बीज की मदद से तुम्हारे एक चिप को कई सारे चिप्स बना सकता हूं और फिर उन्हीं चिप्स को किसी के भी दिमाग में डाल के उन्हें अपना गुलाम बना सकता हूं। है ना कमाल का आइडिया? हाँ। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर।